हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दिवाली स्पेशल सीरीज़ में आज हम लोग बनाएंगे परती मठरी। इसे बनाना बहुत आसान होता है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में तो लाजवाब होती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि परती मठरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। परती मठरी बनाने के लिए ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, ये आधा कप मैदा अलग से ले लिया है, ऑयल है, नमक, अजवाइन, जीरावन, चाट मसाला। परती मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। मैदा लिया है मैंने, ये करीब 3/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें। अजवाइन ये 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसमें हम मोइन डालेंगे, ये 1/4 कप में इसमें मोइन डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा कर हम डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये 1/4 कप मैंने पूरा इसमें मोइन डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, ऐसा इसका बंधना चाहिए आटा, मतलब मोइन बराबर है हमारा। अब हम इसका टाइट आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि पानी इसमें बहुत कम डलेगा। ये हमारा आटा लग गया है, टाइट आटा लगाना है हमें। अब इसे हम ढककर 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे। ये 15 मिनट हो गए हैं इसको रेस्टिंग टाइम दिए हुए। अब इसको हम थोड़ा सा मसल लेंगे। अब इसके हम 4 टुकड़े कर लेंगे, फिर ऐसे लोई बना लेंगे इसकी। हाथ से दबाते हुए, गोल करते हुए, चपटा करना है। अब हम इसे पतला बेल लेंगे। ये हमने ऐसे थोड़ा लंबे में बेल लिया है, पतला बेला है। अब इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको फैला देंगे। अब हम मैदे से डस्टिंग करेंगे। इसको भी अच्छे से हम फैला लेंगे। ये हमने अच्छे से फैला लिया है मैदे को भी। अब हम इसका टाइट रोल बनाएंगे। आपको टाइट रोल बनाना है, पतला पतला ऐसे फोल्ड करते जाना है। इसको ऐसे रोल कर अच्छे से चिपका देंगे। अगर आपकी एजेस नहीं चिपक रही हैं तो आप मैदे का थोड़ा सा घोल बनाकर लगाकर भी चिपका सकते हैं। इस तरीके से हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इनको काट लेंगे। ये हमने सारे रोल बनाकर इसे कट कर लिए हैं। कढ़ाई में तेल डालकर मैंने गरम करने रख दिया है। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा बेल लेंगे। हल्के हाथ से हमको बेलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। इस तरीके से हम ये सारे तैयार कर लेंगे। ये सारी मठरी हमने बेल कर तैयार कर ली है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये ऑयल गरम हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। ये अच्छा गरम हो गया है। अब हम फ्लेम को लो कर रहे हैं और ये बेली हुई मठरियाँ हम इसमें डाल देंगे। ये आधी मठरियाँ इसमें डाल दी हैं। फ्लेम को भी लो किया हुआ है मैंने। फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर हम इसको तलेंगे।
हम लो मीडियम फ्लेम पर इसको लाइट गोल्डन होने तक तल लेंगे। बीच बीच में हम हल्के हाथ से इसको हिलाते रहेंगे, पलटाते रहेंगे। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब लो फ्लेम पर हम इसको तलेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाए। इसकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है। आप एक बार बनाएं तो 1 महीने तक इसे यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट गोल्डन कलर हो गया है, ये हमारी मठरियाँ तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए कैसी लेयर्स आई हैं, बहुत ही अच्छी बनी है, एकदम क्रिस्पी। इनको निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरा बेच तल लेंगे। ये हमारी परती मठरी तैयार हो गई है, देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी आई हैं। अब आप इन्हें ऐसे ही प्लेन भी खा सकते हैं, या आप चाहें तो मसाले वाली भी खा सकते हैं। तो मसाले वाली बनाने के लिए हम गरम गरम में ही मसाला डालेंगे। चाट मसाला डाल सकते हैं, तो ये हम चाट मसाले वाली बना रहे हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो उसके ऊपर जीरावन भी डाल सकते हैं। ये हमारे जीरावन वाले भी तैयार हो गए हैं। ये 3 तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम क्रिस्पी हैं, खस्ता बनी है। अगर आपको मसाले वाली परती मठरी बनाना है तो आप गरम गरम में ही मसाले मिक्स करें। ये 3 फ्लेवर की हमारी मठरी तैयार हो गई है, प्लेन, जीरावन और चाट फ्लेवर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन ज़रूर दबाना है आपको, उससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।